हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,242 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,133। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आज का 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से साइडवेज पैटर्न में पूरे दिन निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेंडलेस एक फेस था आज के दिन पूरा मार्केट में। तो जो फ्राइडे का हमने प्लान बनाया था मंडे के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। आज देखें तो आर्ली चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ना ही हायर हाई हायर लोज बन रहा है, ना ही लोअर हाई लोअर लोज बन रहा है, एक साइडवेज पैटर्न है। तो यहाँ पर ये जो आज का हाई है यानी अराउंड 15,339, इसके ऊपर लाइफ टाइम हाई है। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है ऑल टाइम हाई को, तो ये इंट्राडे के लिए कल हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,355। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,369। ये हमारे दो टारगेट्स होंगे अगर आज का हाई कल ब्रेक होता है तो। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर ओपन हुआ था गैप ऑफ ओपन अराउंड 15,270 के पास, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,253। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,240। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए है कल के इंट्राडे लेवल्स। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वीकली डेली चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हमने यहाँ पर, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा था। ये जो दोजी कैंडल बना, इसका हाई और लो, इसके बीच में बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। 5 दिन ट्रेड होने के बाद आज इसका एक ब्रेकआउट मिला, आर्ली चार्ट में सस्टेन हुआ इस लेवल के ऊपर और यहां से और भी बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली। तो ब्रेकआउट मिला है यहां पर। तो इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में, उसको चेक करते हैं। अगर यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करें स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। अगर आज का हाई कल ब्रेक कर देता है तो हमें 37,744 के लेवल्स बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज का हाई यानी अराउंड 37,463 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 37,662। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 37,776। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट आर का ये जो कैंडल बना है इसके हाई के नीचे चला जाता है यानी 36,825 के नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,719। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट 20 EMA के ऊपर यानी 36,588। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 16 फेब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।